तुम सोचो ना अभी। अरे घोड़ा मैंने कर ही नहीं सका, उसका हम लोगों तो बात की बात है, घर है ना उसका नहीं है, घर है उसका अपना, घर रहने से क्या आशीष माल बना देगा। छोड़ो ना, सीएम जब था ना करोड़ का। नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चूंकि मेरे चैनल का नाम राजेश रोशन 407 है, ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो कम बनाता हूँ, मैं ये बार बार कहता हूँ ये बात। और आज का मेरा ये ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, स्टेट वाइज इलेक्शन हैं। इसी साल 2024 में दो चरणों में चुनाव होंगे, एक 13 तारीख को नवंबर में वोट डाले जाएंगे और एक 20 तारीख को नवंबर में वोट डाले जाएंगे। क्षेत्रवार अपने अपने चुनाव में लोग वोट डालेंगे और 23 तारीख को मतदान होगा। तो आज हम लोगों ने अपने नुक्कड़ चौराहों पे दोस्तों के साथ बातचीत की और गतिरोध कुछ भी हो लेकिन उसमें जो कुछ बातें निकल कर आई, लोग अपने अपने मंतव्य रख रहे थे, बेशक कम मित्र थे और बेशक कम लोग थे, पर उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और उस बेबाक बातचीत का अंश आप लोगों को मैं वीडियो फुटेज में दिखाऊंगा। और यही मेरा आज का व्लॉग है। कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा कि चलो भाई, सोचा कि चलो चुनावी मुद्दे पर ही कुछ व्लॉग बना लेते हैं। तो आगे देखिएगा आप व्लॉग में कि लोग मिलकर नुक्कड़ में और बैठकर क्या क्या बातें कर रहे थे और अपने मंतव्य को पेश कर रहे थे अपने बेबाक अंदाज में, तो आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके पहले मैं आप चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप नए हो तो फॉलो कर लो, लाइक कमेंट शेयर करो और बेल आइकन का बटन दबा लो, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे इस चैनल पर काम करते हुए, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ और आपका सहयोग रहेगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग देखो कि वीडियो में क्या क्या हो रहा है। तो आप लोगों के लिए पेश है नुक्कड़ की बातचीत का छोटा सा अंश, देखते रहिए। आपका एक ब्लॉग बनाना है, चल बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रहो अर्जुन मुंडा का वाइफ भी असल नेक काम करे ताकि वो अपना, नहीं राजेश सौ बात का एक बात, कांग्रेस क्या अच्छा किया क्या गलत किया कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा चीज है, ये अच्छा चीज है। जो भी 2% आज देश राजेश अच्छा स्थिति हुई है, बुरा स्थिति हुई, सुन ना भाई, अरे सुनो ना राय, सुनो आज देश में जो भी स्थिति अच्छी है बुरा, वो कांग्रेस का देन है, तो भी कांग्रेस का देन है, बुरा है तो भी कांग्रेस, संचार क्रांति कांग्रेस का देन है, संचार क्रांति कांग्रेस का देन है। आज तेरे हाथ में मोबाइल नहीं होता, यस देश हजार नजर तो क्या था, भारत के पास कुछ नहीं था अपना, आज अगर स्थिति था तुम आज अगर ये तुम गाड़ी साइड करने बोलो कहां से, अबे साइड कर दिया चोरवा है बेटा, नंबर ऐसे मंटवा गाड़ी है ना मंटवा। आज अगर देश में 2-4% कुछ भी विकास हो रहा है तो आधार वही है, आइए नहीं नहीं हम मेरा बोलने का हम अरे ठीक है नहीं कोई आता लेकिन रीजा बोलना खा नहीं उठेंगे लेकिन 60-70 साल देश में रह के जो करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। अरे कैसे करें, एक बात छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि तुम बोला कि जब देश आजाद हो था हमारा देश में कुछ नहीं था, एक छोटा सा उदाहरण देंगे, जैसे अभी मान लो हम लोग मट्टी कोड़ने का काम करें, रेजा को लिए काम करेंगे, तो मेरा घर में कुछ नहीं है, एक मान लो मट्टी घर है, कपड़ा घर है, तो हमको अगर में क्या करना पड़ेगा, जितोड़ मेहनत मेरा चाहे रोजगार लाना पड़ेगा कुछ ऐसा करना पड़े, धीरे धीरे जब हम ऊपर उठे तो मेरा बेटा गरीबी नहीं देखेगा जो हमने देखा, सही बात है, सही है, तो है ना, सही है, वो बेटा कुछ नहीं, वही हाल बीजेपी का है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। अभी भी तुम देख लो हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छा नहीं बोले, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेगा, अब तुम तुलना करेंगे जर्मनी जापान विदेश का अरे विदेश का टेक्नोलॉजी क्या लाएगा, अपना टेक्नोलॉजी सारा फेलियर होकर बैठा हुआ, आज मेरा BSNL सारा 4G चलिए रहा नहीं है, 3G में टेक्नोलॉजी
किसका दिन? अब यहाँ चल मोदी को अब यहाँ पे अब यहाँ पे आओ। सरकारी काम कोई करना नहीं चाह रहा सूर्य जी का, सरकार का आदमी सरकारी काम करना नहीं चाह रहा, क्यों रखेगा लोग BSNL क्यों रखेगा? एक मिनट, उससे अच्छा एयरटेल सरकारी काम नहीं करना चाह रहा है कर रहा उसको प्राइवेट। अच्छा एक मिनट, सरकारी प्राइवेट पुलिस दलों को प्राइवेट क्यों नहीं कर रहा? उसको भी प्राइवेट करो, वहाँ तो सर बैठ के हजारों आदमी बैठ के सर नोट खा रहा है, क्यों नहीं कर रहा? सही बात, सही है, करो सर उसको भी सरकारी से प्राइवेट। वहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी होगा, सब होगा, वही होगा ना फिर जो आज बैठ के SP DSP फलना IAS अफसर बेसिक उसको जितना पढ़ लिख के आज गद्दी में बैठता ना तो प्राइवेट करके उतना पढ़ लिख के दिखला दो बैठ के उसका टेक्नोलॉजी कर ले। अब तुमको बता दे रहे प्राइवेट में ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, प्राइवेट में ज्यादा पढ़ा लिखा पर पैसा नहीं उसके पास, लेकिन वो IAS क्या IPS जो भी उसका डिग्री तो हासिल नहीं कर सकेगा ना। चीज जो टॉप टेबल टॉप करता है क्या वो नेता लोग से करता है? नहीं ना, एक इंजीनियर से बड़े UPSC के जो छात्र मैंने बड़े बड़े उससे सलाह मशवरा लिया, देश कैसे चला क्या नेता चलाता है देश? नेता हम कहाँ बोल रहे हैं, वो चलाता है IPS में चलाता है, वही प्राइवेट आदमी से तुमने को नेता आप कहना चाहते हैं कि बात नहीं करने का ढंग, देश को नेता नहीं चलाता है ब्यूरोक्रेट ऑफिसर चलाता है, चलता ना सीधी सी बात, सही बात, बड़ा बड़ा इंजीनियर परफेक्ट परफेक्ट आज आया है बट कानून कौन पार करता है? ये तो पहले से होगा लोग, कौन जो सरकार चला रहा है IPS संसद में काम आपको करना होगा, कोई भी कानून लाने के लिए कोई भी चीज चालू करने कानून पास करता है नेता लोग। अब देखो राइट बतौर, लेकिन ज्ञान किससे लेता है? ज्ञान लेता है वो फिर ब्यूरोक्रेट से, और लेने के बाद क्रियान्वयन करने का काम भी संसद में आगे हल्ला तो आप ही करना है, बस आप ही करना है, पास आपको कराना है, आपको आप लोग देख रहे हैं अब नाइन झारखंड में चुनावी माहौल सरगर्मी पर है, नाइन पास लोग नुक्कड़ पर फेल हो गए, आप नहीं कर सकते बहस, अपने अपने कयास लगा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना चाहिए कर सामने आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि लोग इसी तरह से बात करें, मानस पटल पे हर चीज को रखें और समझें। और हमारे यहाँ तो ईस्ट सिंहभूम में 13 तारीख को चुनाव का है, सुनो देखना है कि लोग लिख दिया है का नेता लोग आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, बट हर नागरिक हर तरह की बातें होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है और हम इसका दिल से शुक्रिया करते हैं कि लोग अपने क्षेत्र के विकास के योगदान के लिए बहुत समय निकाल रहे हैं। पहले ये चीज होती थी पर इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, पर आज ये हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप सबको मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ईस्ट सिंहभूम के जो बस्तीवासी हैं, बिरसा नगर बस्तीवासी हैं, ये लोग काफ़ी सजग हो गए हैं, पहले की अपेक्षा में अब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को कहने की बात रखते हैं और सच्चाई से कहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और राजेश जी, मदन जी और बड़का जी को, प्रमोद जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छी काम किया है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।